हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बस मैं अभिषेक सचान और आप आपके सामने बड़ा फिर से एक सेशन लेकर आ गया हूँ डेली की तरह शाम को। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं डिफेंस एग्जाम क्वेस्ट में। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा 8 इयर्स का, मोर देन 1 लाख लर्नर्स को मैंने पढ़ाया है। और मैं डेली शाम को 6:30 बजे आपके सामने कंप्यूटर साइंस का एक मॉक टेस्ट लेकर आ जाता हूँ। तो जल्दी से जल्दी वो सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं जो एक बार मुझसे कनेक्टेड हैं, सारे बच्चे आ जाएं, फिर आपके सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा आज की। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ चैनल्स हैं, अनअकैडमी के कुछ चैनल्स हैं, इन सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेस्ट हैं, सब टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको YouTube प्लेटफॉर्म पर और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बेटा लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकें, इसके लिए आपको बेटा लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। और ये सारे काम करने के बाद जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है और आप और पढ़ना चाहते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है। ठीक है, इन सारे बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको हमारे आपको प्ले स्टोर पे जा करके आपको ऐप को डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पर जाइए या ऐप स्टोर पर जाइए। ठीक है, ये बेटा हमारा व्हाट्सएप नंबर है या हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है, इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा ये टेलीग्राम लिंक है। अब बात करते हैं बेटा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस की, तो उसको समझिए आप। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस क्या कहते हैं कि हमारे पास 1 मंथ का भी प्लान है, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का भी है, 12 मंथ का भी है, 24 मंथ का भी है। जो बेटा बेस्ट प्लान है वो 12 या 24 मंथ का ही है। कारण एक तो वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है आपके लिए, आप देख सकते हैं 660 रुपये पर मंथ है, ये 480 रुपये पर मंथ है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप एक कैलेंडर ईयर की बात करें तो आप बहुत सारे अगर बेटा आप एक कैलेंडर ईयर की आप बात करें तो आप देखते हैं कि वहां पर आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं। इवन अगर आप डिफेंस कैटेगरी की ही बात कर लें तो भी आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन में बेटा आप ये सारे एग्जाम दे पाओगे, वो भी मल्टीपल टाइम्स। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इन सभी का सिलेबस सेम है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल स्टडीज है। ठीक है ना, सब में मोर और लेस सिलेबस सेम है, इसलिए जल्दी से बेटा वाला प्लान ले लीजिए जो आपके लिए बेस्ट है, सस्ता है और ज्यादा दिन तक आपके साथ चलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा ये सब्सक्रिप्शन कोड यूज करते हैं USAS तो आपको बेटा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा आप मेरा एक और कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज SPDS। ये दो कोड हैं बेटा मेरे, आपको जिसमें भी 10% का डिस्काउंट मिल जाए आप उसको लगा करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज का सेशन शुरू हो चुका है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जाम्पल कौन होता है। तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा वो होते हैं जहां पर प्रिंटिंग के दौरान क्या अप्लाई किया जाता है, इम्पैक्ट अप्लाई किया जाता है, यानी कि बेटा फोर्स अप्लाई किया जाता है या प्रेशर अप्लाई किया जाता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटआउट के लिए या तो हेड लगा होगा या ड्रम लगा होगा, और जो इंक का कलेक्शन होता है बेटा वो रिबन में होता है, हमेशा किसमें होता है, रिबन में होता है। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चे ऑल ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चे बेटा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, सभी लोग, कि एमएस एक्सेस किसका एग्जाम्पल है। एमएस एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एमएस एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एमएस एक्सेस पहली बात तो याद रखिएगा, एमएस एक्सेस जो है बेटा वो एप्लीकेशन है किसकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। क्लियर है ये बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेटा जिस तरीके से हमारे पास एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है,
उसी प्रकार से जैसे आउटलुक होता है उसी प्रकार से हमारे पास एक्सेस भी होता है। तो एक्सेस क्या होता है बेटा? डीबीएमएस होता है, याद रखिएगा डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और डीबीए का फुल फॉर्म होता है बेटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन, द मेल क्लाइंट, ये मेल है, सॉरी मॉल लिखा है यहां पर बेटा, ये मेल क्लाइंट है, ठीक है, विच वर्क्स विदाउट इंटरनेट। एक ऐसा मेल क्लाइंट बताइए जो इंटरनेट के बगैर काम करता है। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है यहां पर, और वो है एमएस आउटलुक। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि ईमेल क्लाइंट का एग्जाम्पल बताइए, तो याद रखिएगा बेटा एमएस आउटलुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लाइंट। क्लियर? एमएस आउटलुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल क्लाइंट, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं जैसे थंडरबर्ड, थंडरबर्ड भी जो है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू, थंडरबर्ड भी जो होता है बेटा वो भी आपका ईमेल क्लाइंट होता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ईमेल क्लाइंट होता है लोटस, लोटस भी बच्चे आपका ईमेल क्लाइंट होता है। बस ये याद रखिएगा कि जो लोटस है वो आईबीएम का प्रोडक्ट है, आईबीएम जो है सॉरी थंडरबर्ड जो है वो मोजिला का प्रोडक्ट है, और जो आउटलुक है बच्चे वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। मैंने आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस के आंसर बताए कि वे इंडिविजुअल एप्लीकेशंस के नाम बताए, उनके टाइप बताए, और वो किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन करे जाते हैं उसका भी नाम बताया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द नेटवर्क विच स्प्रेड ऑल ओवर द सिटी, आंसर हो जाएगा बेटा मैन। कैन का फुल फॉर्म याद रखेंगे बेटा, वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म याद रखेंगे बेटा, और वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सैन का फुल फॉर्म होता है बेटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये सभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो आपका मैन है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन आ, मैन का फुल फॉर्म आपको बताया अभी, कैन का फुल फॉर्म बताया आपको, पैन का और लिख लीजिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपको पता है बेटा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को किसने डेवलप किया था दुनिया में पहली बार? याद रखिएगा एरिक्सन ने किया था। किसने किया था? एरिक्सन ने किया था, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 30 फीट होता है, कितना होता है 30 फीट के अराउंड, 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा पैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर मशीन टू शेयर इंफॉर्मेशन नोन एज, इस क्वेश्चन का जवाब दें सभी लोग। सभी बच्चे बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दें, द नेटवर्क विच कनेक्ट टू और मोर मशीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन नोन एज, आंसर हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। क्या आंसर हो जाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग इज अ वे, गौर से समझिएगा, नेटवर्किंग कोई वो टाइप नहीं होता, नेटवर्किंग इज अ वे ऑब्लिक प्रोसेस टू कनेक्ट मोर देन वन सिस्टम टू फुलफिल नेटवर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेटवर्किंग क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होता है जो फुलफिल करता है किसी भी नेटवर्क की आवश्यकताओं को, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट।
सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म बताएंगे सभी बच्चे। वाईफाई में ऑप्शन दिखा है वायरलेस फिजिकलिटी, वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस फैसिलिटी, फीचर्स ऑफ वायरलेस एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बेटा, सभी बच्चे बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज। इसमें से कोई भी फुल फॉर्म नहीं है वाईफाई का। मैं आपको अलग से लिख देता हूं वाईफाई का फुल फॉर्म, और वो होता है बेटा वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन, स्टाइलस क्या होता है? तो आंसर याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टाइलस कहाँ मिलता है, तो आप सभी जानते हैं मोबाइल जो होता है बेटा, क्या बोला मैंने बेटा, जो आपका मोबाइल होता है उसमें आजकल एक स्टिक जैसी मिलती है कि नहीं मिलती, पतली सी, तो ये जो पतली सी स्टिक होती है ये एक स्टाइलस होती है जो इस मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए यूज करी जाती है। तो ये एक तरह से क्या हो गई, इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, इन नंबर से मत जाइए। ठीक है, द कनेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द नेट इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड एज। द कनेक्शन ऑफ लिंक थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। WWW है, वेब है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब है, ऑल ऑफ द अबव है। तो एक बात समझिएगा, WWW का फुल फॉर्म जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है, वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। तो ये ऑप्शन सेम हो गया। और वेब का मतलब होता है बेटा नेटवर्क, याद रखना बेटा। वेब का मतलब क्या होता है? नेटवर्क होता है, जाल होता है, हिंदी में जाल कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद। मेन मेमोरी जो होती है बेटा वो किसके साथ जुड़कर काम करती है? स्पेशल फंक्शन कार्ड्स के साथ, रैम के साथ, सीपीयू के साथ, इंटेल। इंटेल तो कंपनी का नाम है, इंटेल बेटा कंपनी का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेल। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सीपीयू है, सीपीयू था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखना। अगला, ए ऑब्लिक एन डैश इज कंपोज ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, एंड दैट इज नेटवर्क। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे इसका जवाब लगाया जा सकता है, जहां पर आपको दिख जाए कि बहुत सारे कंप्यूटर डेटा शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो उसका फिक्स आंसर सिर्फ एक ही होता है, एंड दैट इज नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आंसर आता है बेटा एप्लीकेशन सूट। आंसर आता है बेटा एप्लीकेशन सूट आता है या एप्लीकेशन पैकेज आता है, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, तो यहां पर देखते हैं और क्या ऑप्शन है। क्लोज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, ये दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा बेटा वो क्लोज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि इसको आप माइक्रोसॉफ्ट से कई बार फ्री में भी पा जाते हैं और कई बार आप इसको पैसे देकर भी खरीद लेते हैं, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का जो अपडेशन होता है या मॉडिफिकेशन होता है ये करने का सारा अधिकार माइक्रोसॉफ्ट के पास सुरक्षित रहता है। क्लियर हो गई ये बात? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे, जरा बताएं भाई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज मीडिया? Which of the following is an example of storage device या storage media? Magnetic disk भी है, tapes भी है, DVDs भी है. Answer हो जाएगा all of the above. DVD का full form आप चाहें तो लिख सकते हैं, digital video oblique versatile disk. Digital video oblique versatile disk. अगला क्वेश्चन, द डैश फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड. जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दें बेटा. एक ऐसा फोल्डर जहां पर उन मैसेजेस की कॉपी रहती है जो भेजे जाने के लिए तो तैयार हैं मगर अभी भेजे नहीं गए हैं. तो याद रखिएगा, इनबॉक्स में बेटा वो मैसेजेस रहते हैं जो सक्सेसफुली, याद रखना बेटा, इनबॉक्स में वो मैसेज रहते हैं जो सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं. आउटबॉक्स में वो मैसेजेस रहते हैं जो सेंट तो किए गए हैं मगर किसी वजह से क्या हो गए हैं बेटा, फेल हो गए हैं. ड्राफ्ट में वो मैसेजेस रहते हैं जो कंपोज भी किए गए हैं मगर अभी तक सेंट नहीं किए गए हैं. वो आपके किस में चले जाते हैं बेटा, ड्राफ्ट में चले जाते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ड्राफ्ट. क्लियर. अगला क्वेश्चन, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड. जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है बेटा उसे क्या कहते हैं? तो इसका बस एक ही जवाब होता है और वो होता है प्राइमरी मेमोरी. और प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है बच्चे रैम. मेन मेमोरी का दूसरा नाम होता है बच्चे आपका रैम. और इसका काम होता है क्या? प्रोसेसिंग स्पीड को मैनेज करना. जितनी ज्यादा रैम होगी प्रोसेसिंग स्पीड उतनी ज्यादा होगी. ठीक है. अगला क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर. द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर. जो यूनिक्स है, पहली बात तो किसने बनाया, पहला क्वेश्चन तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सभी बच्चे याद रखेंगे, केन थॉम्सन ने बनाया था. और डेनिस रिची ने बनाया था. किसने बनाया था बेटा? केन थॉम्सन ने बनाया था और डेनिस रिची ने बनाया था. ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर. डेस्कटॉप में भी यूज हो सकता है, लैपटॉप में भी, सुपर कंप्यूटर में भी, ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए बेटा, ऑल ऑफ द अबव. सभी जगह यूज हो सकता है और बड़े आराम से यूज हो सकता है. ठीक है. और एक बात याद रखिएगा कि जो यूनिक्स होता है ये एक CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस है या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है. अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब दें जरा सभी लोग. वीडियो प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस. वीडियो प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश विच स्टोर एंड प्रोसेस इमेजेस. इस क्वेश्चन का आंसर बेटा एक आ जाएगा VGA और एक आ जाएगा मेमोरी. ठीक है. VGA एंड मेमोरी, VGA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वीडियो ग्राफिक एरे. ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे. ठीक है. अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी. प्रोसेसिंग डिवाइस का बेटा एग्जाम्पल बताएंगे यहाँ पर कौन है. तो जो मैग्नेटिक इंक रीडर है ये तो नहीं है, टैबलेट पीसी भी नहीं है, मदरबोर्ड. ठीक
इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का दूसरा नाम होता है सिस्टम बोर्ड, याद रखिएगा। और मदरबोर्ड का बेटा तीसरा नाम भी होता है, दैट इज पीसीबी। और पीसीबी का फुल फॉर्म बेटा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। याद रखिएगा बेटा, जो कीज दूसरे की के कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं उन्हें टेक्निकली हम मॉडिफायर कीज कहते हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कीज दूसरे की से कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं बच्चों, उन्हें हम टेक्निकली मॉडिफायर कीज कहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मॉडिफायर कीज के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपका कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है और ऑल्ट होता है। ये तीनों कीज अकेले कोई काम नहीं करती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। यहाँ पे कंट्रोल की ऑप्शन में आपको दी हुई है, आप इसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फैक्स मशीन्स एंड इमेजेस सिस्टम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, जल्दी से बताएंगे। फैक्स मशीन्स एंड इमेजेस सिस्टम आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? फैक्स मशीन बेटा किसके एग्जाम्पल है? फैक्स मशीन्स क्या करती है बेटा? स्कैन करती है, स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉमा अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, ग्राफिक्स, शेप एंड फिगर, ह्यूमन वॉइस एंड अदर साउंड, नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? इन एन इंफॉर्मेशन अल्फा न्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स, जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है वो क्या नॉर्मली लेता है, क्या उसे चाहिए होता है? तो आंसर आ जाएगा बेटा नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, यानी कि 1 2 3 4 और ABCD। अगला क्वेश्चन है, MICR स्टैंड फॉर, तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, ये बेटा एब्रीविएशन है MICR का। और यहां पर जो सी वर्ड है इसका मतलब कैरेक्टर है, जो सी वर्ड है इसका मतलब बेटा क्या है, यहां पर कैरेक्टर है। इसका यूज होता है टू रीड, गौर से सुनना, बैंक चेक्स। आपने कभी चेक देखी है? आप उसमें देखिएगा, जो चेक होता है उसमें जो बॉटम में ये जो हिस्सा होता है ये वाला, इसको बेटा कहा जाता है मैग्नेटिक स्ट्रिप। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्ट्रिप। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं, अब आप नोटिस करिएगा, ये जो पहला वाला नंबर होता है दिस इज कॉल्ड चेक नंबर एंड द सेकेंड वन इज MICR कोड। क्लियर हो गई ये बात? MICR कोड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी बेसिक, कोबोल एंड जावा, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है बेसिक का फुल फॉर्म बताओ भाई? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे? कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो प्रश्न ये था कि ये सभी लैंग्वेजेस किसका एग्जाम्पल है, तो आंसर आता है बेटा हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बच्चे? हाई लेवल लैंग्वेजेस का एग्जाम्पल है, सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिस इज द एक्ट ऑफ कॉपीइंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। अगर हम किसी मूवी को या किसी सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाकर उसे सेल आउट करते हैं, तो इस प्रक्रिया को बेटा
नेटवर्क पायरेसी, सॉरी सॉरी, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहा जाता है इस प्रोसेस को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स आवर स्टेटमेंट एट ए टाइम। तो देखिए, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको बच्चे मशीन लैंग्वेज में अगर आपको बदलना है, मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर बदलना है, तो इसमें दो चीजें यूज होती हैं। एक होती है इंटरप्रेटर और एक होती है बेटा कंपाइलर, ठीक है। बहुत आसान है इसको समझना। इंटरप्रेटर का काम होता है बेटा लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करना बच्चे? लाइन बाय लाइन। और कंपाइलर का काम होता है बच्चे एट ए टाइम कन्वर्ट करना, एक ही अटेम्प्ट में कन्वर्ट कर देना। तो हमारे सामने एट ए टाइम पूछा गया है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंपाइलर हो जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। देखिए यहां पर जो जावा है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, HTML जो है बेटा ये एक वेब प्रोग्रामिंग बेसिक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप ये समझ जाइए कि जिस दिन आप वेब टेक्नोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका HTML पढ़ाई जाएगी। और फ्लैश कुछ नहीं होता, किसी भी वेबसाइट का जो एनिमेशन होता है उसे फ्लैश कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो TCP/IP है, फुल फॉर्म इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा बेटा प्रोग्राम, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? प्रोग्राम होता है। जो प्रोग्राम होता है उसमें बेटा कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ये गाइड करते हैं कि ये काम कैसे होगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा सभी बच्चे इसका जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैंडल मोस्ट सिस्टम दैट आर नॉट हैंडल डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे, मैं इंतजार कर रहा हूं। कौन कोई देख रहा है मेरी क्लास? जो भी देख रहा है वो जवाब दे बेटा। Which of the following can handle most system? वैसे तो देखिए कंप्यूटर के अंदर सारे कामों को हैंडल करने का काम किसका होता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। मगर कुछ चीजें होती हैं, जैसे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए, नेटवर्क को अरेंज करने की बात कर ली जाए, तो इनके लिए हमें अलग से यूटिलिटीज यूज करनी पड़ती हैं। तो देखिए हमने आपको जवाब दे ही दिया यहाँ पर, और वो क्या है बेटा? यूटिलिटीज है, ठीक है। एल्गोरिदम्स क्या होता है मैं बता देता हूँ, तो आप ऐसे लिख लीजिएगा स्टेप्स ऑफ एनी प्रोसेस। क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ एनी प्रोसेस। आप कोई भी काम करते हैं, XYZ कोई भी काम करते हैं, अगर आप उसे लिख सकते हैं कि ये काम आपने कैसे किया है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, वन बाय वन, तो आप उस काम की एल्गोरिदम लिख रहे हैं। इस बात को समझ जाइए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि एल्गोरिदम क्या होती है, ठीक है। तो ये आज के सेशन का बेटा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। ये सभी चैनल्स आपको सब्सक्राइब करने हैं, सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड और कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए मेरे साथ FCAT में अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए मेरे कोड USAS के साथ या SPDS दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं, Unacademy+ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को बेटा यहीं पर एंड करते हैं, कल से फिर इसी टाइमिंग पर आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
इस कोड को कॉपी पे लिख लीजिएगा, टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। टेलीग्राम लिंक को भी सभी बच्चे ज्वाइन कर लें, उसे ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि उसमें हम लोग क्लासेस के लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, सेशन के पीडीएफ्स आपको देते रहते हैं, ठीक है, और पोल्स भी देते रहते हैं, क्विजेस भी देते रहते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को बेटा यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर इसी टाइमिंग पर, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।